गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज पांचवा सेशन लेकर के मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं और देखते हैं इस सेशन में हमको क्या मिलना है। चलिए सीधे बिना समय गवाए लेट्स बिगिन। ओके, तो हमारा जो एडिटोरियल है आज का वो है स्ट्रेटजिक शिफ्ट ऑन होम आइसोलेशन ऑफ माइल्ड कोरोना वायरस केसेस। अप्रैल 30 का है 2020। जल्दी ही मैं आपको जिस दिन का एडिटोरियल रहेगा उसी दिन आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। एक और इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि मेरा टेलीग्राम का चैनल बन चुका है सुपर 60 संतोष सर के नाम से। उसको मैं फेसबुक पे भी कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। और अगर फेसबुक पे आप नहीं भी देख पा रहे हैं तो सुपर 60 संतोष सर के नाम से आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अब जो एडिटोरियल है और जो शाम की एक्सरसाइज है इनका पीडीएफ रेगुलर डाला जा रहा है। और एक क्विज के रूप में आपको जो वर्ड पावर दी जा रही है क्विज के रूप में उनको वहां पे अपलोड किया जा रहा है। तो आप आराम से वहां जाकर के सारी जो ये फैसिलिटीज हैं टेलीग्राम की तरफ से या इस चैनल की तरफ से वो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। इंडिया इज नाउ फोर्स्ड टू रिजर्व इट्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर दोज हु नीड इट द मोस्ट। हम आगे बढ़ें उसके पहले ये वर्ड्स देख लेते हैं। ये वर्ड पावर है आपकी। पहला वर्ड है आपके सामने मैनिफेस्टेशंस। मैनिफेस्टेशंस मींस द एक्शन आर फैक्ट ऑफ शोविंग समथिंग, मींस किसी चीज की अभिव्यक्ति, किसी चीज का प्रदर्शन। मैनिफेस्ट मींस प्रदर्शित करना, अभिव्यक्त करना होते हैं। तो एक्सप्रेशन कह सकते हैं, मैनिफेस्टेशन वही वर्ड है आपका, स्टेटमेंट कह सकते हैं, स्टेटमेंट यहां रहेगा स्टेटमेंट, और डिमॉन्स्ट्रेशन कह सकते हैं मींस प्रदर्शन। तो कहीं भी किसी चीज का मैनिफेस्टेशन हो रहा है मींस उसका प्रदर्शन हो रहा है, अभिव्यक्ति की जा रही है। सेकेंड वर्ड आपका है सेग्रीगेटेड। ये वर्ड है आपका, देखे ये वर्ड सेग्रीगेटेड मींस सेट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग है वो। आइसोलेटेड आर डिवाइड मीन्स डिवाइडेड, अलग है बिल्कुल या बटा हुआ है। ये क्वारंटाइंड है मीन्स सेपरेटेड है, या सिक्वेस्टेड है मीन्स अलग है। अगर एग्जाम्पल देखें हम, एप्रीहेंशंस अबाउट ग्रुप्स सेग्रीगेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। मैं चाहूंगा हम वो भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जो ऊपर वाला शब्द था मैनिफेस्टेशन का, देख लें। A पोर्ट्रेट ऑफ अ मदर एंड चाइल्ड मीन्स एक मदर और उसके बच्चे का जो पोर्ट्रेट तस्वीर है दैट इज रिकॉर्डेड एज द वेरी मैनिफेस्टेशन ऑफ मैटरनल लव। जो रिकॉर्डेड, देखिए कल पढ़ा था आपने, रिकॉर्डेड एज जो माना जाता है एज द वेरी मैनिफेस्टेशन ऑफ मैटरनल लव। मैटरनल लव यानी मातृ प्रेम का एक अभिव्यक्ति, एक प्रदर्शन, उस तस्वीर को माना जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड का एग्जाम्पल देख लें। एप्रीहेंशंस अबाउट ग्रुप्स सेग्रीगेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी, यानी वो आशंकाएं अबाउट ग्रुप्स, उन समूहों के बारे में सेग्रीगेटेड, जो क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी अर्थात बाकी के समाज से। तो कहीं भी अगर सेग्रीगेट है तो अलग करना, और सेग्रीगेटेड जो अलग हो चुके हों। तीसरा वर्ड हमारा है ट्रांसमिशन, जो इस समय इस कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस के समय में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ट्रांसमिशन मीन्स एक दूसरे से, मतलब एक से दूसरे में जाना, मीन्स हस्तांतरण। एक्चुअली कहीं भी ट्रांस लगा है, ट्रांस मीन्स एक से दूसरे में प्रस्थान, चाहे वो ट्रांसफर हो, चाहे वो ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, ये सारे आपके ट्रांस से ही बने हुए हैं। तो ट्रांसमिशन मीन्स द एक्शन आर प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग समथिंग आर द स्टेट ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड मीन्स हस्तांतरण, यानी आप प्रोपेगेशन कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, एक दूसरे से बढ़ा रहे हैं, आप स्प्रेड कर रहे हैं मीन्स बढ़ा रहे हैं, उसे फैला रहे हैं, आप डिसमिनेशन कर रहे हैं मीन्स उसे फैला रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अर्थात जो आपके पास है उसे दूसरों को भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन
फैलता जा रहा है। मीन्स आप समझ सकते हैं, आप सुन रहे होंगे अक्सर कि अगर जो कम्युनिटीज हैं अभी उनमें ट्रांसमिशन का समय नहीं आया, मीन्स अभी जो कोरोना वायरस है वो ट्रांसमिशन जो चेन है वो उसमें अभी भारत नहीं है। तो ट्रांसमिशन मीन्स एक से दूसरे में जाने की क्रिया, मीन्स हस्तांतरण। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझा देना, समाप्त कर देना। जब आप किसी जलते यानी से मोमबत्ती है जल रही है और आप उसे फूंक करके बुझाते हैं तो वो आप ब्लो आउट करते हैं, BLOW, ब्लो आउट करते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज बुझा, जैसे आग है बुझ गई तो वह एक्सटिंग्विश हो जाती है, जैसे आप फूंक करके नहीं बुझा रहे वो बुझ जा रही, वो एक्सटिंग्विश होता है। मैं पुट एन एंड टू अर्थात किसी चीज का अंत कर देना, डिस्ट्रॉय उसे समाप्त कर देना, चोकड़ मैं खत्म कर देना, डैम्पड बिल्कुल खत्म कर देना, एक तरह से डैम्प में समझते होंगे गीला कर देना, खत्म कर देना, डेड खत्म कर देना, डाउज्ड समाप्त कर देना। न्यूज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कलह, अंतर्द्वंद, संघर्ष, यानी उस संघर्ष का जो समाचार था एक्सटिंग्विश्ड आवर होप्स, उसने हमारी आशाओं को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, फॉर अ पीसफुल रिजोल्यूशन। कौन सी आशाओं को? कि एक शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा, यानी रिजोल्यूशन मीन्स यहां पे समाधान, रिजॉल्व से बना है, यानी शांतिपूर्ण समाधान की हमारी जो आशाएं थी वो एक्सटिंग्विश्ड हो गई, समाप्त हो गई। कब? जब संघर्ष का क्या आया, न्यूज आया, समाचार आया, तो एक्सटिंग्विश्ड में समाप्त हो जाना। पांचवा वर्ड हमारा है देखें होवर, मीन्स रिमेन पॉइज्ड अनसर्टेनली इन वन प्लेस और बिटवीन टू स्टेट्स, मीन्स आस पास मनराना अर्थात हैंग करना, फ्लोट करना या लेविटेट करना, मीन्स उड़ना, ऊपर की तरफ जाना या आस पास मनराते रहना। ठीक है, करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है, बेरोजगारी की दर है, वर हावरिंग अराउंड 10%, वो करीब 10% के आसपास मड़रा रही है, उसी के आसपास है वो। हावर आसपास होना, मड़राना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंटेनमेंट, ये आपने पढ़ा था कल के एडिटोरियल में भी, कंटेन से बना है वर्ड आपका ये। कंटेनमेंट मीन्स रोकथाम, किसी चीज पर नियंत्रण, द एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग हार्मफुल अंडर कंट्रोल आर विद इन लिमिट्स। मैंने कहा था जब आप किसी चीज उसकी सीमा में रखते हैं, अंदर रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं, तो आप कंटेन करते हैं और उसका नाउन फॉर्म है कंटेनमेंट। तो आप उसे कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं, आप उसे रेस्ट्रेंट कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं, रोके रख रहे हैं, आप सर्कमस्पेक्शन कर रहे हैं, उसकी परिधि बना दे रहे हैं, मीन्स रोके रख रहे हैं, आप कन्फाइनमेंट कर दे रहे हैं, उसे सीमा में बंद कर दे रहे हैं, मीन्स कन्फाइन कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल देख लें, द गवर्नमेंट नीड्स टू एडॉप्ट अ कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, यानी सरकार को जरूरत है टू एडॉप्ट अपनाने की अ कंटेनमेंट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी भी आपने पढ़ा था कल के एडिटोरियल में, एक ऐसी रणनीति अपनाने की जरूरत है जो कंटेनमेंट करे, मीन्स रोकथाम करे, नियंत्रित करे। तो कंटेनमेंट मीन्स नियंत्रण। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्वीक। ट्वीक मीन्स परिवर्तन करना, किसी चीज में थोड़ा बहुत सुधार करना, मीन्स उसे चेंज कर देना। करें इंप्रूव अ मैकेनिज्म और सिस्टम, अगर कोई मैकेनिज्म है या सिस्टम है उसमें सुधार ले आना, बाय मेकिंग फाइन एडजस्टमेंट्स टू इट, क्योंकि आप उसमें बेहतर तरीके से समायोजन कर रहे हैं। तो ट्वीक मीन्स परिवर्तन करना, हल्का सा चेंज ले आना। एडजस्टमेंट कर रहे हैं मीन्स आप परिवर्तन ले आ रहे हैं, मॉड्यूलेशन कर रहे हैं अर्थात परिवर्तित कर रहे हैं, रेगुलेशन कर रहे हैं अर्थात उसे आगे बढ़ा रहे हैं, आप अमेंडमेंट कर रहे हैं मीन्स उसमें सुधार कर रहे हैं। ठीक है, वी जस्ट वॉन्टेड टू ट्वीक हिज ओरिजिनल आइडिया अ बिट, अ बिट मीन्स थोड़ा सा, वी जस्ट वॉन्टेड, हम केवल इतना चाहते थे टू ट्वीक हिज ओरिजिनल आइडिया, कि उसका जो मूल विचार था उसमें थोड़ा सा क्या करें हम, परिवर्तन करें, और बिट मीन्स थोड़ा सा, यानी हम उसके ओरिजिनल आइडिया में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते थे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आपका
ये प्री और सिम्टम से बना वर्ड है एडजेक्टिव के रूप में, प्री सिम्टोमैटिक। सिम्टम आपने पढ़ा था लक्षण होता है, सिम्टोमैटिक अर्थात वो व्यक्ति जो लक्षण वाला हो, तो प्री सिम्टोमैटिक वह व्यक्ति जिसमें शुरुआती लक्षण पाए जा रहे हो। रिलेटिंग टू बीइंग आर ऑकरिंग बिफोर सिम्टम्स अपियर, यानी अभी जो सिम्टम्स अपियर सामने दिख नहीं रहे अर्थात अभी कहीं कहीं वो अंदरूनी तौर पे है, मीन्स ऑकरिंग बिफोर अर्थात सिम्टम्स दिख रहे हो उसके जो पहले की अवस्था है वो हमारी प्री सिम्टोमैटिक कंडीशन हमारी है, शुरुआती लक्षण वाले। देखें इसका एग्जांपल देख ले। अच्छा एक इसका एंटोनिम केवल है असिम्टोमैटिक। असिम्टोमैटिक मीन्स जिसके अंदर बिल्कुल लक्षण ना हो। जैसे आप एग्जांपल बना सकते हैं बच्चों, देखें आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, नॉर्मल में बना दे रहा हूं आपको। ही वॉज फाउंड प्री सिम्टोमैटिक अर्थात उसके लक्षण अभी दिख नहीं रहे थे, शुरुआती अवस्था में थे। नेक्स्ट वर्ड है आपका केयर गिवर। ये तो आप अपने से भी बना सकते हैं ना, केयर गिवर जो आपको केयर दे अर्थात आपकी देखभाल करे। अ पर्सन हु प्रोवाइड्स डायरेक्ट केयर, जो आपकी देखभाल करता हो एज फॉर चिल्ड्रन, जैसे बच्चों की, एल्डरली पीपल वृद्ध लोगों की, आर द क्रॉनिकली इल। क्रॉनिकली याद है क्रॉनिक से, जो बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हो उनकी जो डायरेक्ट केयर करता है वो क्या है, उनका केयर गिवर है अर्थात देखभाल करता है। वो केयरर है मीन देखभाल करने वाला है, केयर टेकर है देखभाल करने वाला है, गार्डियन है मीन संरक्षक है, अभिभावक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द केयर ऑफ अ पेशेंट विद अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर एक बीमारी है जानते होंगे। The care of a patient with Alzheimer's disease, Alzheimer's disease के patient का जो care होता है, or या a related disorder या उससे संबंधित जो disorder बीमारी होती है, can be a physical, emotional and a financial drain। एक तरह से शारीरिक, भावनात्मक and financial drain means आर्थिक रूप से drain, तंगी आती जाती है on the family केयर गिवर। किसके लिए? एक जो फैमिली केयर गिवर होता है मीन्स जो फैमिली की, फैमिली का ध्यान रखता है। अच्छी लाइन है, इसे पढ़िएगा अच्छे से, अच्छा लगेगा आपको। चलिए टेंथ वर्ड हमारे सामने है एनेक्डोटल। एनेक्डोट से बना है, एक उपाख्यान से संबंधित मीन्स कोई चीज जो वास्तविक है जैसा हुआ है वो। बेस्ड ऑन कंसिस्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स आर observations of usually unscientific observers means उपाख्यान मूलक means वास्तविक जो वैज्ञानिक observers से usually वो हो proven हो वो आपका उपाख्यान मूलक या वास्तविक होता है। While the World Health Organization and labs in numerous countries यानी अनेक देशों में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो WHO है और जो लैब्स हैं, आर कंडक्टिंग लार्जर क्लिनिकल ट्रायल्स, वो बड़े स्तर पे क्लिनिकल परीक्षण कर रहे हैं द ड्रग्स एफिकेसी, और जो दवा का प्रभाव है रिमेन्स एनेक्डोटल, वो वास्तविक रूप से बना हुआ है मीन्स उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो एनेक्डोटल वास्तविक यहां कह सकते हैं आप। ये वर्ड दोबारा दिया गया आपको ताकि बिल्कुल याद कर लें, आपके काम आएगा ये वर्ड आपको। वल्नरेबल मीन्स वल्नरेबल याद होगा, जो सहज में घायल हो सके या जो आसानी से शिकार हो जाए, चपेट में आ जाए, वो वल्नरेबल है क्योंकि उसके अंदर वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है। देखें कैपेबल ऑफ बींग फिजिकली और इमोशनली वॉन्डेड अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से चोटिल हो अर्थात उसे चोट पहुंचे, वो वल्नरेबल होता है। एंडेंजर्ड है वो, एक्सपोज्ड है, लायबल है वो। ठीक है। वी वर इन अ वल्नरेबल पोजिशन यानी हम एक ऐसी स्थिति में थे जो वल्नरेबल थी अर्थात हम आसानी से
उस स्थिति के शिकार हो सकते थे। चलिए ट्वेल्थ वर्ड हमारे सामने है क्लॉग्ड, बढ़िया वर्ड है। क्लॉग्ड के साथ विद का प्रयोग करते हैं आप। क्लॉग्ड मीन्स भरा हुआ, मीन्स फिल्ड अप आर क्राउडेड सो एज टू ऑब्स्ट्रक्ट पैसेस, यानी इतना वो भरा हुआ है कि पैसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, अर्थात भरा हुआ। ब्लॉक्ड है वो, चोक्ड है वो, क्लॉटेड है वो, या कंजेस्टेड है। अक्सर आपने सुना होगा वहां बहुत कंजेशन था, मीन्स बहुत ज्यादा लोग थे, जगह जो थी वो भरी हुई थी। द क्लॉग्ड स्ट्रीट्स, यानी वो जो भरी हुई सड़कें थी, गलियां थी, मे हैव कॉज्ड सम डेडली डिलेज, वो कहीं कहीं बहुत घातक डिलेज ले आ सकती थी इन इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज। कब? जब इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज जरूरत हो, यानी आवश्यक प्रतिक्रियाओं की जरूरत हो, तो वो भरी हुई सड़कें, भीड़ से भरी हुई सड़कें कहीं कहीं डेडली डिलेज ले आ सकती थी, मीन्स बिना वजह देर हो सकती थी। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट वर्ड है आपके पास इन्फर। इन्फर अगर आप मैथ्स वगैरह पढ़ते हुए जानते होंगे, इन्फर मीन्स निष्कर्ष निकालना, संकेत करना, टू डिराइव एज अ कंक्लूजन फ्रॉम फैक्ट्स और प्रिमाइसेस, मीन्स जो प्रिमाइसेस हैं या फैक्ट्स हैं उनसे अगर आप कोई निष्कर्ष डिराइव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो आप इन्फर कर रहे हैं, निष्कर्ष निकालना। आप डिड्यूस कर रहे हैं, मीन्स निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जज कर रहे हैं, मीन्स एक निर्णय पर आ रहे हैं। फ्रॉम दीज फैक्ट्स, इन तथ्यों से वी कैन इन्फर, हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट की क्राइम हैज बीन इंक्रीजिंग, कि क्राइम क्या होता रहा है, बढ़ता रहा है। और ये लास्ट वर्ड है बच्चों आपका 14th वर्ड, सॉरी दो वर्ड्स आपके पास हैं, ब्रोच है सेकेंड लास्ट वर्ड आपका, ब्रोच। ब्रोच मीन्स रेज फॉर डिस्कशन, जब आप कोई विषय छेड़ते हैं, बहस का मुद्दा उठाते हैं, तो आप ब्रोच करते हैं। ठीक है, विषय छेड़ना मीन्स एक्सप्रेस करना, वेंट करना, अपने विचार व्यक्त करना, अटर करना मीन्स कुछ कहना। ही ब्रोच्ड द सब्जेक्ट, उसने उस विषय को छेड़ा, ही हैड बीन अवॉइडिंग ऑल इवनिंग, जिस विषय को पूरी शाम क्या करता रहा था, अवॉइड करता रहा था, उस विषय को उसने क्या कर दिया, छेड़ दिया। तो ब्रोच मीन्स विषय छेड़ना। और लास्ट वर्ड आपका है इन्फ्यूजन, इन्फ्यूज से बना है वर्ड आपका। इन्फ्यूजन मीन्स द कंटिन्यूअस स्लो इंट्रोडक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन स्पेशली इनटू अ वेन, वेन मीन्स नश, मीन्स संचार। इट इज अ मेडिसिनल ड्रिंक, यानी एक मेडिसिनल ड्रिंक है, मेड बाय इन्फ्यूजन ऑफ हर्ब्स, हर्ब्स जिसमें किस चीज का संचार है, क्या चीजें शामिल की गई हैं, हर्ब्स मीन्स औषधियां, जड़ी बूटियां शामिल की गई हैं। ठीक है, और ये मेरा ग्रामर टिप्स है जो बहुत जरूरी है बच्चों, और आज तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर टिप्स मैंने दिए हैं, देख लें, जो बच्चे मॉडरेट लेवल पर उनके लिए भी, जो बच्चे अच्छे हों उनके लिए भी, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप समझ पाए। देखें, पहला टिप है कि अगर कहीं डे हो मीन्स कोई दिन का नाम हो, डेट हो मीन्स तारीख हो, कोई ओकेजन हो मीन्स कोई अवसर हो, तो उसके पहले प्रीपोजिशन के रूप में क्या लेंगे, आप ऑन लेंगे। जैसे ऑन मंडे, दिन के पहले, ऑन 4th मार्च मीन्स मई, यहां आपको मार्च दिखेगा लेकिन यहां 4th तारीख मैंने दी है। ऑन योर बर्थडे, योर बर्थडे क्या है, ओकेजन है, तो फिर यहां पे ऑन लगाया आपने। दूसरा मेरा टिप था कि कहीं भी अगर मॉर्निंग है, द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, द नाइट, कोई भी महीना, कोई भी साल, कोई भी सेंचुरी, या मैंने लिखा नहीं, मैं यहां लिख दे रहा हूं एक और चीज, देख लें, एरा, एरा मीन्स सदी, युग जिसको आप कहते हैं, तो कहीं पर भी अगर ये है तो इनके पहले आप आन का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, इन द मॉर्निंग सही है, इन अप्रैल सही है, इन 2020 सही है, इन द 19th सेंचुरी सही है, इन द विक्टोरियन एरा, मीन्स यहां पे आपने इन लगाया आपने। और लास्ट टिप थी मेरी, ये आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को अब तक कंफ्यूजन रहा हुआ इन चीजों को अगर लेकर के, तो आप यहां से तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है आपके लिए। लास्ट टिप थी मेरी आपकी कि कहीं भी अगर समय दिया गया हो या प्रहर दिया गया हो, मीन्स जैसे भोर हो, सूर्योदय हो, डे ब्रेक हो, सूर्योदय हो, दोपहर हो, नून,
डस्क यानी शाम की गोधुली की बेला हो, ट्वाइलाइट गोधुली की बेला हो, नाइट के पहले द न लगा हो, मिडनाइट आधी रात हो और इवनिंग के पहले द न लगा हो, तो इनके पहले क्या लगाएं आप, एट लगा लीजिएगा। जैसे एट 10 o'clock यहां समय दिया गया है, एट डॉन सूर्योदय है जिसे उषा काल कहते हैं, एट नाइट, नाइट के पहले देखिए मैंने द नहीं लगाया ना, तो मैंने एट लगा लिया, लेकिन जैसे मैंने नाइट के पहले द देखा तो मैंने क्या लगा लिया, इन लगा लिया, ये फर्क याद रखिएगा। एट इवनिंग, इवनिंग के पहले मैंने द नहीं लगाया यहां पे, तो मैंने क्या लगा दिया, एट, लेकिन जैसे इवनिंग के पहले मैंने द देखा तो मैंने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। और एट मिडनाइट जरूर तैयार करिएगा, इससे आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा जो हमेशा आपको परेशान करता रहा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के हर हाल में तैयार कर लें। और अभी अब आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है, जितने भी ये मेरे एडिटोरियल्स हैं और शाम के इन एडिटोरियल्स पर जो एक्सरसाइज मैं बना रहा हूं, हर एक के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे एडिटोरियल दिया जा रहा है, उसका जो लिंक है मीन्स एड्रेस अभी मैं लिख दूंगा, लिखा था मैंने, आप देखे होंगे, वहां से आप जाकर के रोज उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छी चीज है जो मैंने या हम लोगों ने, हमने सचिन ने राजू ने किया, एक बेहतर चीज जिससे आप बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों की ऐसी सुविधाएं अभी नहीं है जहां बहुत ज्यादा हाई फाई चीजों को हम लिख चल सकें, अपनी सीमा के अंदर जो भी हम कर सकते हैं वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमसे सेटिस्फाइड हैं हम उनको लेके चलेंगे और उनके लिए मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा था सर क्या एडिटोरियल चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा बच्चों, आप विश्वास करें चलता रहेगा। एक दिन हफ्ते में आपका बंद रहेगा, वो दिन रहेगा शनिवार, यानी शनिवार को आपका एक दिन मैं लूंगा, क्योंकि मुझे ये सारी चीज मैनेज भी करनी, चूंकि शाम का मैं वर्ब, अभी वर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रामर का लेकर के मुझको चलना है, तो उसके लिए कहीं कहीं थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि ये चीजें करने में दिन पूरा क्या हो जाता है, निकल जाता है। शनिवार सैटरडे जो होगा वो यहां पे बंद रहेगा, शाम का जो 7 से 8 का आपका बैच रहेगा मीन्स क्लास रहेगी वो चलेगी, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्लास या वर्ब का कौन जो क्लास है वो चलती रहेगी, बट जो एडिटोरियल और शाम की एक्सरसाइज है वो एक दिन के लिए, हफ्ते में एक दिन के लिए आपकी, यानी शनिवार को क्या रहेगा, वो क्लोज रहेगा, ठीक है। चलिए, संडे को मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उस दिन आप पढ़ना चाहेंगे, वो आपका डे खाली होता है आपका। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट चीज जो मैंने समझाने की कोशिश की जो नॉर्मल लेवल बच्चों बहुत काम आएगा, देखें भले थोड़ा समय लगेगा, ये मैंने क्या दिया, टूडेज सेंटेंस फॉर स्ट्रक्चर, यानी ये आज का सेंटेंस जो मैंने पूरा लिया है इसका स्ट्रक्चर आपसे बच्चों क्या कह रहा है, ऐसे एक एक वाक्य समझते चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए कैसे, दोज नॉट शोविंग साइंस ऑफ द डिजीज आर माइल्ड मैनिफेस्टेशंस, वर, ये वर बच्चों पता है किसके लिए है, ये वर है दोज के लिए, यानी दोज वर पुट इन केयर सेंटर्स एंड, तो फिर ये नॉट शोविंग साइंस ऑफ द डिजीज आर माइल्ड मैनिफेस्टेशंस किसके लिए है, यहां से आप क्लास को ऐसे तोड़े बच्चों, देखिए कैसे, दोज ऐसे हु आर नॉट शोविंग, तो है ही आपका ना, ये अब आपका हो गया, अब देखिए आपके लिए आसान हो गया, दोज Who are not showing, अच्छा दो बार not हो गया, not हटाते हैं, those who are not showing signs of the disease, अब देखा आसान हो गया ना, वो लोग who are not showing signs of the disease, जो उस बीमारी के लक्षण का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, are mild manifestations, या जिनमें हल्के रूप में वो लक्षण है वो प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या, वो लोग, अब यहां से मिला ले बच्चों, वो लोग were put in care centers, उन्हें केयर सेंटर्स में डाल दिया गया, रख दिया गया, एंड दोज, फिर देखिए यहां पे वर्ब नहीं बच्चों है, दोज फिर आ गया नोटिसिबली सिकर, जो रिमार्केबली मींस नोटिसिबली सिकर है मींस ज्यादा बीमार हैं इन हॉस्पिटल्स, उन्हें कहां डाल दिया गया, हॉस्पिटल्स में डाल दिया गया। तो इस क्लास को भी कैसे बना सकते हैं, देखिए ऐसे दोज ऐसे बनाए, देखें आपके लिए आसान हो जाएगा, दोज Who were, और यहां भी मैंने आर लिया है,
उससे बेहतर आप वर ले लें बच्चों, क्योंकि ये पास्ट का आपको सब कुछ दिखा रहा है। अब देखिए इससे क्या होगा, आपको उस वाक्य को जो बड़ा वाक्य था उसे समझना देखिए अब आसान हो गया कि दोज वो लोग हु वर नॉट शोविंग साइंस ऑफ द डिजीज, जिनके अंदर उस बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहे थे, आर माइल्ड मैनिफेस्टेशन या हल्का सा भी कहीं प्रदर्शन नहीं हो रहा था, उन लोगों को अब यहां से जोड़ देना हम, उन लोगों को वर पुट इन केयर सेंटर्स, उन्हें केयर सेंटर्स में डाल दिया गया, एंड दोज और वो लोग हु वर नोटिसेबली सिकर, जो ज्यादा बीमार थे, इन हॉस्पिटल्स, उन्हें कहां डाल दिया गया, हॉस्पिटल्स में। अच्छा लगा होगा इस तरह एक एक सेंटेंस अपना देखें, इस तरह जो मॉडरेट लेवल बच्चे हैं उनके लिए जिनकी शिकायत होती है कैसे पढ़े सर, तो धीरे धीरे ये सब चीजें आप नॉर्मल कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं एडिटोरियल पर। ये बच्चों आपका एडिटोरियल, स्ट्रेटजिक शिफ्ट यानी रणनीतिक शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट मीन्स बदलाव, वो यहां से शिफ्ट कर रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं। तो इफ समवन इज डिपार्टिंग फ्रॉम समवेयर ही इज शिफ्टिंग, तो स्ट्रेटजिक शिफ्ट यानी रणनीतिक बदलाव, अन होम आइसोलेशन ऑफ माइल्ड कोरोना वायरस केसेस, किससे, इस पर होम आइसोलेशन यानी आपको घर में ही आइसोलेट कर दिया गया, ऑफ माइल्ड कोरोना वायरस केसेस, किनको, जो लोग माइल्ड कोरोना वायरस केसेस थे, अर्थात ऐसे मामले जिनमें माइल्ड कोरोना वायरस केसेस, अर्थात जो हल्के फुल्के संक्रमणों से पीड़ित थे, उन्हें कहां डाल दिया गया या कहां डालने की योजना है, होम आइसोलेशन, को अपने घर पर ही रहे, उन्हें हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इंडिया इज नाउ फोर्स्ड, बिल्कुल आसान है, भारत है नाउ फोर्स्ड, क्या मजबूर, भारत अब मजबूर है, बाध्य है, टू रिजर्व, सुरक्षित रखने के लिए इट्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अपनी स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य मामलों से संबंधित सुविधाओं को, फॉर दोज, उनके लिए हु नीड इट द मोस्ट, यहां द मोस्ट नाउन के रूप में यूज किया गया, ठीक है, मीन्स सॉरी एडवर्ब के रूप में। तो इंडिया इज नाउ फोर्स्ड यानी भारत इस समय मजबूर है टू रिजर्व इट्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अपनी स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो रिजर्व करने के लिए मजबूर है, उन सुविधाओं को किनके लिए, फॉर दोज, उनके लिए हु नीड इट द मोस्ट, जिन लोगों को इन सुविधाओं की सबसे अधिक क्या है, आवश्यकता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखें ऑन मार्च 28, देखिए यहां तारीख है ना 28, तो फिर यहां क्या लगा दिया गया बच्चों, ऑन लगा दिया गया, ठीक है, ऑन मार्च 28 यानी 28 मार्च को वनली 130 डिस्ट्रिक्ट्स, केवल देखिए मैंने कहा था वनली जो होता है वो नाउन के पहले आता है और अलोन कहां होता है, नाउन के बाद आता है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप, वनली 130 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडियाज 736, अब यहां इंडियाज 736 है, पॉजिटिव केस का प्रयोग किया गया है, यानी उल्टा पढ़िए बच्चों, भारत के जो 736 शहर हैं उनमें से 130 शहर 28 मार्च तक, केवल 130 शहर 28 मार्च तक हैड रिपोर्टेड कोविड 19 केसेस, यानी उन 130 जिलों में कोविड 19 केसेस का रिपोर्ट किया गया था, मीन्स वहां पे उनके मामले मिले थे, कितने जिलों मिले थे बच्चों, 130 जिलों में, कितने जिलों में से, भारत के 736 जिलों में से, ठीक है। करें द हेल्थ मिनिस्ट्रीज स्ट्रेटजी यानी जो स्वास्थ्य मंत्रालय की रणनीति है, देन उस समय, किस समय, 28 मार्च को, आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन, किस समय, लॉकडाउन के, राष्ट्रीय लॉकडाउन के बाद जो स्वास्थ्य मंत्रालय की रणनीति थी, वाज, वो थी टू इंश्योर, क्या करना, याद करें, सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना,
क्या सुनिश्चित करना? स्टेट सुपरविजन की राज्य निगरानी करें ऑफ दोज उन लोगों की हु मैनिफेस्टेड सिम्टम्स, जिन लोगों में उन सिम्टम्स का क्या हुआ था, मैनिफेस्टेड प्रदर्शन हुआ, जिन लोगों ने सिम्टम्स प्रदर्शित किए, जिनमें उन लक्षणों को दिखाई दिया, जिनके अंदर उन लोगों की निगरानी किसको दे दिया गया था 28 मार्च को, राज्य को, कि राज्य जो है वो सुपरविजन करें, सुपरवाइज करें, अर्थात उनका निरीक्षण करें, उन्हें अपनी निगरानी में रखें। एज वेल एज मीन्स के साथ साथ, एज वेल एज देयर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स, और किनके लिए राज्य सरकार को निगरानी में, राज्य सरकार नियम डाला गया, देयर मीन्स वो लोग जिनके अंदर वो लक्षण दिख रहे थे, देयर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स, यानी जो लोग भी उनके संपर्क में आए थे, जो खतरे में बहुत ज्यादा थे, उन लोगों को भी किसकी निगरानी में दे दिया गया था, राज्य की निगरानी में दे दिया गया था। कब दे दिया गया था? 28 मार्च को। कब? जब नेशनल लॉकडाउन लागू हो गया था उसके बाद। एंड और हु हैड अ ट्रेवल हिस्ट्री, और ऐसे लोगों को भी राज्य की सुपरविजन में डाल दिया गया था, दे दिया गया था। हु हैड अ ट्रेवल हिस्ट्री, जिन्होंने कहीं ना कहीं की क्या की हुई थी, विदेश यात्रा की हुई थी, नहीं, जिन लोगों ने भी विदेश यात्रा की थी उन लोगों को भी राज्य के निगरानी में दे दिया गया कि राज्य की जिम्मेदारी है इनको देखना, इनकी जांच पड़ताल करना। सस्पेक्टेड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, सस्पेक्टेड मीन संदिग्ध, सस्पेक्टेड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स, अर्थात संदिग्ध हाई रिस्क वाले जो कॉन्टैक्ट थे, मामले थे, अर्थात लोग थे, आर या दोज लाइकली टू हैव बीन एक्सपोज्ड, या फिर जो शिकार हो सकते थे टू द इंफेक्शन, किस चीज के इंफेक्शन, उस संक्रमण के, उन लोगों को वर सब्जेक्टेड, वर सब्जेक्टेड टू वेरिंग डिग्रीज ऑफ स्टेट क्वारंटाइन, उन्हें राज्य के द्वारा क्वारंटाइन की अलग अलग अवस्थाओं में डाल दिया गया, सब्जेक्ट कर दिया गया कि आप अलग अलग अवस्थाओं, कोई जितना जिस हिसाब से है उसी हिसाब से क्या कर दिया गया, क्वारंटाइन किया कर दिया। ये लाइन आपके लिए मुश्किल होगी, फिर से देख लें, करें एंड हु हैड, हो गया यहां से, यहां देखें, सस्पेक्टेड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, अर्थात वो कॉन्टैक्ट जिन पर बहुत ज्यादा रिस्क था मैं सब, तो क्या होने का, संक्रमित होने का, आर या दोज लाइकली टू हैव बीन एक्सपोज्ड टू द इंफेक्शन, या जो आसानी से उस एक्सपोज, उस इंफेक्शन के क्या हो सकते थे, शिकार हो सकते थे, उसके प्रभाव में आ सकते थे, उन लोगों को वर सब्जेक्टेड टू वेरिंग डिग्रीज ऑफ स्टेट क्वारंटाइन, उन्हें राज्य के द्वारा नियंत्रित जो क्वारंटाइन की सुविधा थी उसमें अलग अलग अवस्थाओं में उन्हें क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। ठीक है, मुझे पता है बच्चों एक जगह आप थोड़ा सा चाह रहे होंगे कि मैं आपको समझा दूं, ये जो लाइकली टू हैव बीन है, ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, देखें, देखें बच्चों, जैसे ऐसे कह दिया गया है आज वर्षा होने वाली है, ठीक है, और वर्षा होने की संभावना देखो तो आप कैसे कहेंगे, इट इज लाइकली टू रेन, जैसे मतलब आपको ना आज वो आने वाला है, क्या हो जाएगा, ही इज लाइकली टू कम टूडे, जैसे ऐसे आप लाइकली टू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग इससे, वहां हैव प्लस बीन क्यों आया, क्योंकि वो परफेक्ट का पैसिव बनाया गया है, इसलिए वहां हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन ले गई आपकी। देखें बच्चों, देखें, हां, करें दोज वो लोग नॉट शोविंग साइंस ऑफ द डिजीज, समझ गए होंगे आप, यानी दोज हु वर नॉट शोविंग साइंस ऑफ द डिजीज, जिनमें उस बीमारी के जो लक्षण थे, चिन्ह नहीं दिख रहे थे, आर या माइल्ड मैनिफेस्टेशंस,
या बिल्कुल न के बराबर बहुत हल्के प्रदर्शन प्रदर्शित हो रहे थे, वो लोग वर पुट इन केयर सेंटर्स, उन्हें केयर सेंटर्स में डाल दिया गया। एंड और दोज नोटिसेबली सिकर, जो बीमार दिख रहे थे अधिक, इन हॉस्पिटल्स, उन्हें कहां डाल दिया गया, हॉस्पिटल्स में डाल दिया गया। ठीक है, समझ रहे होंगे बच्चों। फिर द आइडिया ऑलवेज वाज, यानी विचार हमेशा से था क्या, दैट की इफ द सिक एंड देयर कॉन्टैक्ट, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, द सिक मीन्स सारे बीमार लोग, अगर आपने पढ़ा होगा नाउन तो याद होगा द सिक, द पुअर, द हेल्दी, द रिच, द लेम, द ब्लाइंड, द गुड, द बैड, द टॉल, द शॉर्ट, ये सारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं जब आप इनके पहले द लगा देते हैं ये पूरे समूह को सारे लोगों को प्रदर्शित करने लगते हैं। ठीक है, देख एग्जाम में आपको बहुत बार दिया गया होगा द ब्लाइंड स, तो द ब्लाइंड तो खुद प्लूरल है ना, तो एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं आपकी है, तो द सिक प्लूरल होता है, इसलिए यहां देखे कॉन्टैक्ट में एस जोड़ा गया कॉन्टैक्ट, लेकिन यहां देखे सिक में एस नहीं जोड़ा गया, क्योंकि जैसे ही आपने द सिक देखा ये तुरंत समझ जाए वो खुद प्लूरल है आपका। फिर से देखें बच्चों, करें द आइडिया ऑलवेज वाज, ये हमेशा से विचार में था, दैट की इफ द सिक एंड देयर कॉन्टैक्ट, कि जो बीमार हैं और जो उनके संपर्क में लोग आए हुए हैं, वर सेग्रीगेटेड फ्रॉम द कम्युनिटी लॉन्ग एनफ, ये विचार था ना कि यदि उन्हें समुदाय से अर्थात पूरे समूह से लंबे समय तक सेग्रीगेट रखा गया, मीन्स क्या रखा गया, अलग रखा गया, तो द ट्रांसमिशन चेन, तो जो ट्रांसमिशन चेन संक्रमण बढ़ने की जो चेन है वुड बी ब्रोकन, वो चेन क्या हो जाएगी बच्चों, टूट जाएगी, एंड और द डिजीज एक्सटिंग्विश्ड, और बीमारी क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी, मीन्स समाप्त हो जाएगी। पढ़ने से वर्ड बहुत आसान लगेंगे आपको, दो बार चार बार दस बार पढ़िए ना, देखिए आप कैसे वर्ड पावर इजी हो जाती है आपकी। देखें बच्चों, करें एज अप्रैल एंड, चूंकि अप्रैल क्या हो रहे, खत्म हो रहा है, तो द नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, याद हो गया होगा बच्चों आपको, द नंबर के साथ आपका नाउन तो हमेशा प्लूरल रहेगा, रहेगा ना, लेकिन वर्ब देखे क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। सब चीज ध्यान रखिए, पढ़ने का यही फायदा लीजिए, ना कि केवल कहानी की तरह आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं चाहता हूं ग्रामेटिकली आप ज्यादा चीजों को मैनेज करें। देखें, करें एस अप्रैल एंड्स, चूंकि अप्रैल समाप्त हो रहा है, तो द नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, तो जो प्रभावित जिलों की संख्या है वो संख्या स्टैंड्स एट 401, मीन 401 तक आ गई। कहां से, याद करें ये शुरुआती अवस्था में देखे जब वो केवल कुछ 103 के आसपास में थे, ये आपके 123 के आसपास में थे, यानी 28 मार्च को 130 जिलों में संक्रमण था, और अभी जब आप ये अप्रैल आपका खत्म हो रहा है तो कहां तक पहुंच गया आपका, 401 जिले इससे क्या हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं। एंड और कंफर्म्ड केसेस, और जो कंफर्म्ड केसेस प्रमाणित जो मामले हैं इसके, हैव राइजन बाय 1000 अ डे, और अब होने क्या लगा है, एक दिन में 1000 के हिसाब से प्रतिदिन कंफर्म्ड केसेस में क्या होने लगी है, बढ़ोतरी होने लगी, मीन्स वो केसेस बढ़ने लगे। एक दिन में कितने केस आ जा रहे हैं, करीब 1000 के आसपास केस आ जा रहे हैं, समझ रहे होंगे बच्चों आप। द डेली डेथ काउंट, जो रोज की मृत्यु का आंकड़ा है, हॉवर्स बिटवीन 50 एंड 60, मैंने कहा ना ग्रामर पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, ध्यान देखें बिटवीन के साथ क्या लगा है, एंड लगा है। देखिए द डेली डेथ काउंट सिंगुलर था, तो इसके साथ क्या लगा है, हॉवर में एस लगा है। ये सारी चीजें पढ़ते पढ़ते आप समझते जाएं कहां पे कैसे है, क्योंकि हमें एक लिमिटेड टाइम में भी पढ़ाना होता है, इसलिए भी थोड़ा सा हमको जल्दी करनी होती है, लेकिन आप जब इसका पीडीएफ लेकर या पेपर लेकर के पढ़ें तो आप अच्छे से दो बार चार बार पढ़ें, एक डेढ़ महीना करीब आप अच्छे से इन पर मेहनत करिए, देखिए आपके लिए इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगी। देखिए बच्चों,
करें द डेली डेथ काउंट, ये जो डेली डेथ काउंट है संख्या इनकी है हावर्स बिटवीन 50 एंड 60, वो किसके आसपास है, 50 से 60 के आसपास वो संख्या उसके आसपास बनी हुई है। यानी 1000 कंफर्म्ड केसेस प्रतिदिन में आ रहे हैं और एक दिन में मौतें कितनी हो रही करीब 50 से 60 के बीच, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। करें इन अ कंटेनमेंट स्ट्रेटजी ट्वीक, ट्वीक याद हो गया बदलाव, कंटेनमेंट याद हो गया रोकथाम नियंत्रण, और स्ट्रेटजी याद हो गया होगा रणनीति, ऐसे ही वर्ड्स होंगे। इन अ कंटेनमेंट स्ट्रेटजी ट्वीक, यानी ये जो नियंत्रण यानी जो लोगों को रोका गया था, रोकथाम लगाई गई थी, उस स्ट्रेटजी के परिवर्तन में क्या किया गया, डोज विद अ माइल्ड फॉर्म ऑफ द डिजीज, समझ रहे बच्चों अब, डोज हु आर विद अ माइल्ड फॉर्म ऑफ द डिजीज, जिनके अंदर माइल्ड फॉर्म ऑफ द डिजीज है यानी हल्के वो है चिन्ह है संक्रमण के, आर या आर प्री सिम्प्टोमैटिक या बिल्कुल शुरुआती लक्षण है, वो लोग वुड हैव द ऑप्शन ऑफ होम क्वारंटाइनिंग, उनके पास एक विकल्प होगा कि वो आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में न जाकर के होम क्वारंटाइनिंग करें, यानी घर में ही वो एकांत क्या रहे, अकेले पड़े रहे वो। लेकिन एक शर्त रहेगी, कौन सी शर्त बच्चों, देखें करें बट, देखिए बाकी के शुरू में बट आया, बट लेकिन देयर होम्स यानी जो लोग होम क्वारंटाइन में रहे वो लोग देयर होम्स उनके जो घर हैं ought to have यानी should have, ought to have ये वाला सेंस। लेकिन एक चीज समझे जो लोग मेरा वर्ब का क्लास देख रहे होंगे वो याद करें, ये ought to have बच्चों ना ये मॉडल है ना, और मॉडल के बाद have है, अब have के बाद कोई और वर्ब नहीं बच्चों, यानी have ही क्या है आपकी मेन वर्ब है और मॉडल क्या है आपकी ought to है, यानी ought to have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो चाहिए था वाला भाव आता, और ought to have है तो केवल चाहिए वाला भाव आएगा, ठीक है। फिर से देखें बच्चों, करें बट देयर होम्स लेकिन उनके जो घर हैं ought to have सेल्फ आइसोलेशन, उनके पास होना चाहिए क्या सेल्फ आइसोलेशन फैसिलिटीज, यानी खुद को एकांत में रखने के लिए उनके पास क्या होने चाहिए फैसिलिटीज होनी चाहिए सुविधाएं, अ फुल टाइम केयर गिवर होना चाहिए, एक ऐसा कोई होना चाहिए जो पूरे समय भर उनका क्या रख सकता हो ध्यान रख सकता हो, एंड और डेली हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट्स, और उनकी रोज की जो हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट्स हैं अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं सूचनाएं हैं गिवेन टू द डिस्ट्रिक्ट सर्वेलांस ऑफिसर, वो किसको दी जानी चाहिए जो जिले का सर्वेलांस ऑफिसर मीन्स निगरानी अधिकारी पर्यवेक्षक अधिकारी है परीक्षण अधिकारी है उसे वो हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट्स डेली गिवेन रोज क्या की जानी चाहिए दी जानी चाहिए, इन शर्तों पर किसी को होम क्वारंटाइन दिया जा सकता है उसे हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पता है ना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा ये एक ऐसा रोग है जिसमें आपको हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेगा, सरकार को पता चल गया तो खुद उठा करके आपको ले जाएगी, इसलिए उसने कहा कि अगर आप घर पे रहना चाहते हैं होम क्वारंटाइन करना चाहते हैं आप रहिए, लेकिन उसके लिए शर्तें होंगी, कौन सी शर्तें याद हो गया, पहला आपके पास सेल्फ आइसोलेशन फैसिलिटीज हो यानी उसकी सुविधाएं हो आपके पास अकेले रहने की, अ फुल टाइम केयर गिवर हो कोई ऐसा हो जो पूरे समय आपका ध्यान रख सकता हो, एंड डेली हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट्स गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर, और आपको डीएसओ को अर्थात डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर को रोज अपनी हेल्थ रिपोर्ट्स जो हैं हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट्स वो क्या करनी होंगी आपको देनी होंगी, ठीक है, समझते होंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखें, करें द हेल्थ मिनिस्ट्री जो स्वास्थ्य मंत्रालय है हैज नॉट एक्सप्लेन्ड, उसने ये नहीं समझाया है व्हाट प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्ट मींस प्रेरित करना होता है बच्चों, कि किस चीज ने प्रेरित किया दिस रिलेटिव रिलैक्सेशन,
यानी इस संबंधित रिलैक्सेशन को यानी छूट को देने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया, किसको? हेल्थ मिनिस्ट्री को। किस चीज ने प्रेरित किया? हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस चीज को समझाया नहीं है कि उसके मन में विचार कहां से आया। देखें, हाउएवर बताया था मैंने, जो भी हो एनेक्डोटल एविडेंस सजेस्ट, देखिए एविडेंस यहां सिंगुलर है ना, एनेक्डोटल वास्तविक, जो एनेक्डोटल एविडेंस है यानी जो वास्तविक प्रमाण है, साक्ष्य है, सजेस्ट, उससे यह पता चलता है कि डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, यहां बच्चों एक शब्द उन्होंने छोड़ दिया, जब भी सजेस्ट का प्रयोग हो, से का प्रयोग हो, टेल का प्रयोग हो, या फिर इस तरह के वर्ब जो होप का प्रयोग हो, बिलीव का प्रयोग हो, तो आप चाहें तो दैट को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, एक्सपेक्ट के साथ भी हटा सकते हैं, जैसे आई होप ही विल कम, ये भी सही है, और आई होप दैट ही विल कम, ये भी सही है। तो फिर से वाक्य देख लें, देखें बच्चों, करें एनेक्डोटल एविडेंस यानी जो वास्तविक साक्ष्य है, सजेस्ट, वो ये संकेत देता, उसे पता चलता है कि यहां जोड़ने की डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, कि जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स में स्वास्थ्य कर्मी हैं, हैव बीन डिसप्रोपोर्शनेटली, डिसप्रोपोर्शनेटली मीन्स बेढंगे तरीके से, अर्थात जिस चीज के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो जा रहा है, गैर अनुपातिक तरीके से, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर्स हैं और स्वास्थ्य कर्मी हैं, हैव बीन डिसप्रोपोर्शनेटली वल्नरेबल, ये क्या होते जा रहे हैं बच्चों, शिकार होते जा रहे हैं, चपेट में आते जा रहे हैं टू द इंफेक्शन, किसकी चपेट में आ रहे हैं, इस संक्रमण के, एंड और अ सिंगल केस लीड्स टू, देखिए फिर से लीड के साथ बच्चों क्या आ गया, देखिए टू याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, एंड अ सिंगल केस, और अगर एक भी सिंगल केस है, एक भी केस आता है तो लीड्स टू एंटायर हॉस्पिटल्स बीइंग शट डाउन, तो वो किस तरफ ले जाता है, संपूर्ण रूप से वो जो हॉस्पिटल्स हैं बीइंग शट डाउन, उन्हें क्या कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है, कब, यदि हॉस्पिटल में एक भी कोई केस यानी कोई मरीज यानी कोई डॉक्टर या कोई स्वास्थ्य कर्मी हेल्थ केयर वर्कर जो है वो संक्रमित हो जा रहा है, तो सोचिए इतनी ज्यादा कड़ाई की जा रही है या बचने की कोशिश की जा रही है बच्चों। देखें, अनलाइक इन द यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप, यानी जैसा कि यूएस और यूरोप में है वैसा, इंडियाज हॉस्पिटल्स आर नॉट येट क्लॉग्ड विद सीरियसली इल पेशेंट्स, यानी यूएस में क्या हो रहा है बच्चों, सारे हॉस्पिटल्स संक्रमित लोगों से भरे हुए हैं, वेस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा है, स्पेन वगैरह में सारे हॉस्पिटल्स इंफेक्शस लोगों से, कंटाजियस लोगों से भरे हुए हैं, तो वैसी अवस्था में इंडियाज हॉस्पिटल्स आर नॉट येट अभी तक, ठीक है, आर नॉट येट क्लॉग्ड विद भरे हुए हैं सीरियसली इल पेशेंट, भारत में अभी गंभीर रूप से जो बीमार मरीज हैं आर नॉट येट क्लॉग्ड, तो उन गंभीर रूप से बीमार मरीजों से भारत के हॉस्पिटल जो हैं वो अभी तक क्या नहीं हुए हैं, क्लॉग्ड विद, भरी नहीं हुए हैं, ठीक है, नहीं, भारत के हॉस्पिटल अभी कहीं कहीं यूएस और जो वेस्टर्न यूरोप है उनसे बेहतर अवस्था में है, कि वहां पे मरीज ही दिख रहे हैं केवल, यहां पर भी ऐसी अवस्था नहीं है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करें इट कुड बी ड्यू टू मीन्स के कारण, इट कुड बी ऐसा हो सकता है, कैसा, कि भारत में हॉस्पिटल्स में भी गंभीर रूप से बीमार मरीज बहुत भरे नहीं है, इट कुड बी ऐसा हो सकता है ड्यू टू इंडियाज रिलेटिवली लो केस काउंट, क्योंकि भारत में अभी रिलेटिवली मीन्स तुलनात्मक रूप से, बच्चों जब भी रिलेटिवली का प्रयोग है, फेयरली का प्रयोग है और कंपेरेटिवली का प्रयोग है, ध्यान रखिए तीनों शब्द मेरे, फेयरली, रिलेटिवली और कंपेरेटिवली के साथ आगे आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होता है, न कि कंपेरेटिव डिग्री का, अपनी एसएससी यानी एग्जाम्स की पर्पस को ध्यान रखे, ये याद रखिएगा, फिर से फेयरली हो, कंपेरेटिवली हो और रिलेटिवली हो, इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का आंसर। चलिए मैं आपको समझा रहा हूं, देखें थोड़ा समय लगेगा लेकिन देख लें आप, इससे आपका
दो नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा बच्चों, जैसे एग्जाम में आपको ऐसे दे देंगे, ही इज द कंपेरेटिवली बेटर टुडे, इसी तरह के एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये गलत है बच्चों, आप देखें जहां भी कंपेरेटिवली, या अगर यहीं पे मैं एक और शब्द लिख दूं तो आपके लिए थोड़ा सा याद हो जाएगा, ये रिलेटिवली है इन दोनों शब्दों के साथ, और फेयरली के साथ भी जो यहां यूज नहीं करें आप, तो ही इज कंपेरेटिवली या रिलेटिवली बेटर, गलत है बच्चों। यहां क्या होना चाहिए था, गुड होना चाहिए था, दिस इज, याद रखें काम आएगा आपके। चलिए देखें बच्चों, करें इट इज, इट कुड बी ड्यू टू इंडियाज रिलेटिवली लो केस काउंट, क्योंकि भारत में अभी तुलनात्मक रूप से लो केस काउंट यानी कम मरीजों की संख्या आ रही है, एंड और आल्सो और एक चीज क्या हो रही है, पीपल, अब यहां आपने इस बच्चों जोड़े, पीपल आर नॉट टर्निंग अप फियरिंग इन्फेक्शन, और क्या हो रहा है, पीपल आर नॉट टर्निंग अप, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, मीन्स बचने की कोशिश कर रहे हैं, प्रकट नहीं हो जा रहे हैं, सामने नहीं अचानक आ जा रहे हैं, क्यों, फियरिंग, क्योंकि वो डर रहे हैं इन्फेक्शन, किस चीज से, कि वो भी कहीं संक्रमित ना हो जाए। अलाउिंग होम क्वारंटाइन, यानी अगर आप होम क्वारंटाइन को अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं, कुड बी सीन, इसे देखा जा सकता है, यानी अगर होम क्वारंटाइन को अलाउ किया गया, इसे किस रूप में देखा जा सकता है, एज अ हेल्थ अथॉरिटीज, क्योंकि जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं, यानी जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, इन्फरिंग, वो एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं दैट की क्वारंटाइनिंग इन पब्लिक फैसिलिटीज, कि क्वारंटाइनिंग इन पब्लिक फैसिलिटीज, कि जब आप पब्लिक फैसिलिटीज में यानी हॉस्पिटल्स वगैरह में या इस तरह के स्थानों पर आप लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो पोस्ड मोर रिस्क, इस चीज ने अधिक खतरे को पोस्ड क्या कर दिया, उत्पन्न कर दिया, यानी अगर लोगों को हॉस्पिटल्स वगैरह में क्वारंटाइन किया जा रहा है, इससे और अधिक लोग क्या हो जा रहे हैं, संक्रमित हो जा रहे हैं, एक और अधिक रिस्क क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करें द प्री सिम्टोमैटिक्स, याद करें जिनमें शुरुआती लक्षण हो, जिनमें माइल्ड इलनेस हो, शुरुआती बीमारी हो, एंड और असिम्टोमैटिक्स, जो बच्चे मेरे से या किसी अच्छे टीचर्स पढ़े होंगे उन्हें याद होगा, जब आप किसी चीज के पहले अ लगाते हैं इस तरह से, इसके मीन्स बिना हो जाता है, जैसे हिस्टोरिकल तो अहिस्टोरिकल, फायर तो अफायर, ऐसे ना, उसके अलग अलग, कहीं ए का अर्थ पर होता है, कहीं ए का अर्थ प्रति होता है, कहीं ए का अर्थ एक होता है, और कहीं ए का अर्थ ए हो बिना हो जाए, जैसे असोशल यानी बिना सामाजिकता के, ठीक है। फिर देखें, करें द प्री सिम्टोमैटिक्स, जिनके अंदर माइल्ड इलनेस है, शुरुआती लक्षण हल्की बीमारी है, एंड असिम्टोमैटिक्स अर्थात नो साइंस, जिनके अंदर कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं है, डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम ट्रीटमेंट, इन्हें उस ट्रीटमेंट से कोई लाभ नहीं हुआ, एंड और वर पोटेंट वायरस स्प्रेडर्स, और हुआ क्या, जब ये उन हॉस्पिटल्स वगैरह में भर्ती हुए तो वर पोटेंट वायरस, पोटेंट मीन्स बहुत बड़े, वैसे पोटेंट मीन्स शक्तिशाली होता है ना, लेकिन यहां पे वो बड़े वायरस स्प्रेडर्स हो गए, यानी वो खुद वायरस को क्या करने लगे, स्प्रेड करने लगे, फैलाने लगे, एंड देयर फोर, और इसलिए इन डेंजर्ड, इन डेंजर मीन्स खतरे में डाल देना, देयर फोर इसलिए इन डेंजर्ड द स्टाफ, उन पूरे स्टाफ को खतरे में डाल दिया, एंड हेल्थ वर्कर्स, और स्वास्थ्य कर्मियों को भी खतरे में डाल दिया, ठीक है। आशा है बच्चों आप 50-60% के आसपास समझ रहे होंगे, रेगुलर पढ़ेंगे और आसान हो जाएगा। देखिए ये अंतिम कुछ लाइनें, दे आल्सो स्ट्रेच्ड स्टेट रिसोर्सेज इन मेंटेनेंस, यानी रख रखाव में जो राज्य के रिसोर्सेस थे, संसाधन थे, उन्हें भी उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रेच फैला दिया, अर्थात झूठे उनका उपयोग करना पड़ा। द मिनिस्ट्री आल्सो फाउंड, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी पाया, दैट की एमंग दोज, उन लोगों के बीच जो लोग हु टेस्टेड पॉजिटिव, जो क्या निकले, जो पॉजिटिव निकले, देयर वर टू प्री सिम्टोमैटिक्स आर
असिम्प्टोमैटिक्स, यानी उनमें से या तो वो प्रीसिम्प्टोमैटिक्स थे या असिम्प्टोमैटिक्स थे, फॉर एवरी सिम्प्टोमैटिक, किसके लिए, जो हर कोई लक्षण वाला, यानी लक्षण वाले के लिए वो प्रीसिम्प्टोमैटिक हो गए या असिम्प्टोमैटिक हो गए। देखिए मुझे द डिजीज स्प्रेड, यानी ये जो बीमारी का फैलाव है, इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, इज नाउ बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ द स्टेट टू कंटेन, नहीं राज्य के नियंत्रण की जो क्षमता है उस क्षमता से अब ये क्या हो चुका है, परे हो चुका है, क्या द डिजीज स्प्रेड, इस बीमारी का जो फैलाव है, बाई क्वारंटाइन, क्वारंटाइन करके, यानी क्वारंटाइन करके राज्य इसे सीमित नहीं कर पा रहा है, एंड इट वाज फार मोर प्रूडेंट, और इसीलिए ज्यादा बुद्धिमानी थी टू फोर्टिफाई हेल्थ वर्कर्स, कि आप उन स्वास्थ्य कर्मियों को फोर्टिफाई करें, सुरक्षित करें, एंड हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स को सुरक्षित करें विद द बेस्ट फैसिलिटीज, सबसे अच्छी सुविधाओं के साथ अवेलेबल, विच आर अवेलेबल टू हैंडल पेशेंट्स, जो सुविधाएं अवेलेबल हैं पेशेंट्स को क्या करने के लिए, हैंडल करने के लिए, ठीक है। देखिए मुझे और बिल्कुल अंतिम लाइनें हैं, ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से देयर इज नो कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन इंडिया, ये भारत में जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, अर्थात जो समूहों में, अर्थात सामुदायिक रूप से जो फैलाव है, वो नो कम्युनिटी ट्रांसमिशन, यानी यहां भारत में ऐसा नहीं है, बट लेकिन एट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ केसेस, लेकिन जिस तरीके से ये केसेस मैग्नीट्यूड की तरफ जा रहे, मीन्स बढ़ते जा रहे हैं, इट डज नॉट प्रैक्टिकली मैटर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, फिर भी केसेस जो होते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड की तरफ बढ़ते जा रहे, मीन्स बढ़ते जा रहे हैं, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, आर एंड दिल्ली हो, ये जो चारों राज्य हैं, आर पावरिंग द स्प्रेड ऑफ केसेस, ये बहुत तेजी से केसेस को क्या कर रहे हैं, यहां पे बढ़ा रहे हैं, एंड और वनली, देखिए वनली पहले आए ना नाउन के, एंड वनली कंसिस्टेंट डिक्लाइंस, डिक्लाइंस मीन्स गिरावट, कमी, और केवल निरंतर कमी, हियर कैन ब्रोच डिस्कशन ऑन द एंड ऑफ द पेंडेमिक, यानी अगर निरंतर रूप से कमी आए तभी कैन ब्रोच डिस्कशन, तभी ये विषय छेड़ा जा सकता है बहस का, कि ऑन द एंड ऑफ द पेंडेमिक, यानी तब जब ये पेंडेमिक, ये महामारी क्या हो, समाप्त हो, ठीक है। चलिए अंतिम बिल्कुल लाइने आपके लिए, ये लाइने आपकी आ गई, देखिए फ्रॉम अ मंथ एगो, पिछले एक महीने से इंडिया ऑन पेपर, यानी पेपर पर, कागज पर, इज इक्विप्ड विद, देखा है ना, इक्विप्ड विद, इज इक्विप्ड विद बेटर सप्लाई चैनल्स, यानी बेहतर सप्लाई चैनल से क्या है, सुसज्जित है, यानी इसके पास है ऐसी चीजें, क्या आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे पीपीई कहा जा रहा है, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है भारत के पास अब, इन्फ्यूजन पंप्स फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए इन्फ्यूजन पंप्स अब हैं बेहतर अवस्था में, हॉस्पिटल बेड्स, हॉस्पिटल में बेड्स हैं, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज हैं, एंड पीसीआर किट्स, और पीसीआर किट्स हैं अब, ये इस समय कागज पर सारी चीजें उपलब्ध हैं, ध्यान रखिए बच्चों, कागज पर। इफ द लॉकडाउन इज लिफ्टेड ऑन May 3rd, देखिए तारीख है ना, इसलिए यहां ऑन लगाया गया, यदि 3 तारीख को लॉकडाउन उठा लिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, तो द रैशनेल, मीन्स याद होगा आपको तर्क, कारण, तो द रैशनेल बिहाइंड द गवर्नमेंट्स कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, कौन सा रैशनेल, कौन सा तर्क, सरकार की ये जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, यानी जो रोकथाम की रणनीति है, उसके पीछे का जो तर्क है, विल बी पुट टू अ स्ट्रिंजेंट टेस्ट, उसकी कड़ी परीक्षा होगी, किसकी, कि सरकार ने किस तरीके की कंटेनमेंट स्ट्रेटजी बनाई थी, मीन्स रणनीति बनाई थी,
स्ट्रिंजेंट मीन्स कठोर, कड़ा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पड़ता है बच्चों, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो कल आपसे, सॉरी, आज शाम को ही 6 बजे मैं आपसे वक्त एडिटोरियल सेशन 5 के टेस्ट के साथ में क्या रहूंगा, हाजिर रहूंगा। आप भी क्या रहें, तैयार रहें मेरे टेस्ट के साथ।